स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम यहाँ पर बात करेंगे नीतीश सरकार का जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, जो गठबंधन की नई सरकार बनी है बिहार में, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। हाल ही के दिनों में जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित होगी या फिर बिहार एसआई और साथ ही साथ बिहार एसएससी वाला भी एग्जाम आयोजित होना है, तो इन सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगर एक भी प्रश्न पूछा जाता तो यहाँ पर इस वीडियो को देख के आप उस प्रश्न को एकदम से सही सही हल कर पाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल की बात करें तो इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के जो ईबुक वाला सेक्शन है वहां से एकदम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगहों पर ये उपलब्ध है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। मेन टॉपिक हमारा है बिहार कैबिनेट नया मंत्रिमंडल 2022, इनसे संबंधित जो बेसिक से फैक्ट है ये भी आपको जानना चाहिए। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हाल ही में 16 अगस्त 2022 को राजभवन में महागठबंधन की नई नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ये तिथि आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 2022 को ये नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है जो कि महागठबंधन की एक सरकार है। और इसके तहत आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान ने कुल 31 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये 31 विधायक बिहार में जो नई गठबंधन की सरकार बनी है ये सभी पार्टियों से सम्मिलित है। डिटेल जानकारी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा कुल मिलाकर 31 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, यानी कि 31 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कि जिनमें आरजेडी से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ ली है। तो ये सारे जो गठबंधन में जो सम्मिलित हैं तो सभी पार्टी से कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि आरजेडी का जो दबदबा रहा वो कहीं ज़्यादा रहा है। कुल मिलाकर 16 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और फिर हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि नए मंत्रिमंडल में मुसलमानों की संख्या 5 है और वहीं पे महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो महिलाओं की संख्या 3 है, यानी कि कुल मिलाकर 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो 3 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक से आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। आगे के पॉइंट में हमने आपको एक जानकारी दिया कि विधानसभा के स्पीकर राजद कोटे से अवध बिहारी चौधरी बनाए जाएंगे। हालांकि इनका तबियत खराब था जिस वजह से यहाँ पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में ये हिस्सा नहीं ले पाए थे। बाद में इनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जो कि आपको ध्यान रखना ये निर्धारित है कि आरजेडी कोटे से अवध बिहारी चौधरी बिहार के नए कह सकते हैं विधानसभा स्पीकर बनाए जाएंगे। तो ये सारी जो बेसिक सी जानकारी है जो एग्जाम में मूल रूप से पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पर शामिल किया। अब 31 विधायकों की सूची हम लोग देखेंगे जो कि विभिन्न कह सकते हैं विभाग उन्हें सौंपा गया है, लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट होगा इसके तहत वर्तमान में बात करें तो मुख्यमंत्री पद की शपथ मौजूदा समय में नीतीश कुमार ने लिया है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 8वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इनसे पहले 7 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था बिहार में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदर कौन कौन से विभाग या फिर मंत्रालय को रखा है, जिसके तहत आपको ध्यान रखना है कि सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग और साथ ही वैसे विभाग यानी कि वे विभाग जो किसी को भी आवंटित नहीं किए गए, ये सभी विभाग नीतीश कुमार ने अपने अंडर में रखे हैं। एक बार मैं पुनः यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग और इसके अतिरिक्त वैसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सभी नीतीश कुमार ने अपने मतलब अंडर में रखा है। अब अगला पॉइंट हमारा होगा उप मुख्यमंत्री के बारे में। तो अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे 2015 में, जिस समय नीतीश कुमार ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये सारी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में दिया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो ये सारी जानकारी याद होगी, आपको मैंने एकदम से विस्तार से बताया है। जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो चैनल पर आता है वहाँ पर आप रेगुलर देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे उप मुख्यमंत्री की, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के दूसरी बार। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को स्वास्थ्य,
पथ निर्माण, नगर विकास और आवास तथा साथ ही साथ ग्रामीण कार्य विभाग सौंपा गया है। इन सारे क्षेत्रों का जो कार्य होगा इनके अधीन होगा, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अधीन होगा। एक जानकारी यहाँ पर नोट कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग का जो मतलब कह सकते हैं जिम्मा तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया गया है, लेकिन पिछली बार जो महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस सरकार में इनके जो कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे थे तेज प्रताप यादव, इन्हें यह मंत्रालय सौंपा गया था स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन इस बार ये दूसरी बार जो महागठबंधन की सरकार बनी है जिसमें कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को ही स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी पदों की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप वहां पर सम्मिलित तौर पर एक ही स्थान पर सारे करंट अफेयर्स प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो बिहार हो या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी घटना से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स हो, संपूर्ण पैकेज आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए दो पैकेज उपलब्ध है। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर आप पैकेज को परचेज कर सकते हैं, जिसके तहत आपको फायदा ये होगा कि पिछला जितना भी मटेरियल एप्लीकेशन पर वो सारा का सारा अनलॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तब से जितने दिनों का आपका प्लान होगा तब तक के लिए ये वैलिड रहेगा। यानी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं 12 महीने वाला तो एप्लीकेशन पे जितना भी पुराना मंथ का जो कर सकते हैं करंट अफेयर्स का मटेरियल पड़ा है वो सारा का सारा अनलॉक हो जाएगा, और जिस तिथि से आप इसे ज्वाइन करेंगे तब से ये 12 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। तो जो लोग बिहार के पदों की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 30,000 से अधिक लोग से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमने यहाँ पर सभी पॉइंट को, जो भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ हाल ही में, जिस भी विधायक को जो भी मंत्रालय सौंपा गया है, तो ऐसे में हमने यहाँ पर प्रश्न वाइज आपको एकदम से वीडियो प्रोवाइड किया। इससे आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होती, इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रश्न फॉर्मेट में चीजों को ऐड किया है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं, जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है। ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री विजय कुमार चौधरी को भी हाल ही में वित्त, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य विभाग सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्रालय का कार्यभार किन्हें सौंपा गया। ऊर्जा योजना और विकास मंत्रालय का कार्यभार अभी हाल ही में सौंपा गया है विजेंद्र प्रसाद यादव को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, विजेंद्र प्रसाद यादव अभी हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री बने हैं, साथ साथ योजना और विकास मंत्रालय का कार्यभार भी इन्हें सौंपा गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न आपको इस वीडियो के अंत में पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न है कि किन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री आलोक कुमार मेहता को भी हाल ही में श्री आलोक कुमार मेहता को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न, ये प्रश्न है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किन्हें बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री तेज प्रताप यादव को भी हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री तेज प्रताप यादव। अगला पांचवा प्रश्न है कि मोहम्मद आफाक आलम को कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इन्हें अभी हाल ही में यानी कि मोहम्मद आफाक आलम को सौंपा गया। अगला है हमारा छठा प्रश्न, ये प्रश्न कि भवन निर्माण मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री अशोक चौधरी को भी हाल ही में भवन निर्माण मंत्री बनाया गया। हालांकि पहले भी जो बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार थी उसमें भी अशोक चौधरी को बिहार में भवन निर्माण मंत्री बनाया गया था, लेकिन नवगठित अभी जो मंत्रिमंडल बना है तो इसमें भी श्री अशोक चौधरी ही कह सकते हैं भवन निर्माण मंत्री है। हालांकि अपडेटेड डेटा को आपको यहाँ से याद रखना है। और फिर इसके बाद अगला होगा सातवां प्रश्न, ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री सुधाकर सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं श्री सुधाकर सिंह। नेक्स्ट होगा हमारा आठवां प्रश्न, ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री मुरारी प्रसाद गौतम। सभी जो प्रश्न है अपने आप में महत्वपूर्ण है, एकदम से किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में जो बिहार पंचायती राज मंत्री बने हैं ये श्री मुरारी प्रसाद गौतम को बनाया गया। और फिर यहाँ पे हमारा अगला होगा नवा प्रश्न, ये प्रश्न कि श्री श्रवण कुमार को कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी अभी हाल ही में श्री श्रवण कुमार को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा विभाग सौंपा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी अभी हाल ही में श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को दिया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि कौन खान एवं भूतत्व मंत्री बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा खान और भूतत्व मंत्री की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर रामानंद यादव। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि श्रीमती लेसी सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सौंपा गया है। श्रीमती लेसी सिंह की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अभी हाल ही में श्रीमती लेसी सिंह को सौंपा गया। यानी कि यहां से आप याद रखेंगे कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बिहार सरकार है लेसी सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री मदन सहनी को भी हाल ही में समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। 14वां प्रश्न है कि कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा श्री कुमार सर्वजीत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पर्यटन मंत्री है श्री कुमार सर्वजीत। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री ललित कुमार यादव को भी हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है हमारा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किन्हें अनुसूचित जाति या फिर जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री संतोष कुमार सुमन अभी हाल ही में अनुसूचित जाति या फिर जनजाति कल्याण मंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा हमारा 17वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किन्हें जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का मंत्री बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आपसे रखेंगे और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री संजय कुमार झा अभी हाल ही में जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार झा। अगला होगा हमारा 18वां प्रश्न। ये प्रश्न की परिवहन मंत्री निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती शीला कुमारी को भी हाल ही में परिवहन मंत्री बनाया गया है बिहार सरकार में जो नवगठित मंत्रिमंडल है इसमें। नेक्स्ट होगा हमारा 19वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं। इस प्रश्न को आप सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। बिहार का जो नया उद्योग मंत्री बना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री समीर कुमार महासेठ। हालांकि इससे पहले जो बिहार के उद्योग मंत्री थे ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन। सैयद शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल में बिहार ने एक नई आयाम को हासिल किया, बहुत सारी घोषणाएं भी, बहुत सारी उपलब्धि भी हासिल हुई थी। लेकिन ऐसे में यहां पर आपको याद रखना, नई सरकार का जो गठन हुआ है इसके तहत आपको ध्यान रखना श्री समीर कुमार महासेठ बिहार के नए उद्योग मंत्री हैं। और यहां पे हम चलते हैं अगले 20वें प्रश्न पे। हमारा 20वां प्रश्न है कि राज्य का नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा श्री चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा 21वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि श्री सुमित कुमार सिंह निम्नलिखित में से कौन सा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री सुमित कुमार सिंह को निम्नलिखित में से कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान और प्रावेदिकी विभाग की जिम्मेदारी अभी हाल ही में सुमित कुमार सिंह को सौंपी गई है। नेक्स्ट होगा हमारा 22वां प्रश्न। ये प्रश्न की मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री सुनील कुमार को भी हाल ही में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीमती अनीता देवी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा 24वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री किन्हें बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा 24वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री जितेंद्र कुमार राय अभी हाल ही में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। 25वां प्रश्न हमारा है कि श्री जयंत राज को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु जल संसाधन मंत्रालय अभी हाल ही में श्री जयंत राज को सौंपा गया। नेक्स्ट होगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद जामा खान को अभी हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया।
अगला होगा हमारा 27वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि श्री कार्तिक कुमार को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो विधि मंत्रालय बिहार ही में कार्तिक कुमार को सौंपा गया है। यहाँ से याद रखेंगे विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री जो बिहार सरकार में है ये श्री कार्तिक कुमार अभी हाल ही में बने हैं। तो नोट कीजिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधि मंत्रालय। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 28वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि गन्ना उद्योग मंत्री निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मोहम्मद शमीम अहमद को भी हाल ही में गन्ना उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शमीम अहमद। चलते हैं हम यहाँ पर अगले 29वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि मोहम्मद शाहनवाज को निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय अभी हाल ही में मोहम्मद शाहनवाज को सौंपा गया। 30वां प्रश्न है कि श्रम संसाधन मंत्री निम्नलिखित में से कौन बने। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री सुरेंद्र राम अभी हाल ही में श्रम संसाधन मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रावैधिकी मंत्री बने हैं। सूचना प्रावैधिकी मंत्री की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इसराइल मंसूरी। तो इस तरह से 31 विधायकों ने बिहार में जो नवगठित मंत्रिमंडल बनी या फिर बिहार कैबिनेट में नई सरकार का जो गठन हुआ महागठबंधन सरकार की, तो कुल मिलाकर 31 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके तहत यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर 31 विधायकों में से आरजेडी अर्थात राजद से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम पार्टी से 1 और वह पे निर्दलीय भी 1 था। तो कुल मिलाकर 31 मतलब कह सकते हैं विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न को, लेकिन उससे पहले हमने आपको एक जानकारी ये भी दिया था, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके तहत अगर हम बात करें महिला मंत्रियों की, तो महिला मंत्रियों की जो संख्या है नई सरकार में ये 3 है। और वहीं पे हम इस नए मंत्रिमंडल को मुस्लिम समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो 5 मंत्री इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा आज का प्रश्न है, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसकी जानकारी आपको याद होगी। आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर पीडीएफ के बारे में आपको पुनः बता दूं कि पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो ईबुक वाला सेक्शन होगा आपको होम स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा ईबुक, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को एकदम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक वाइज हमारे नोट्स होते हैं ये हमेशा से निःशुल्क रहे हैं। आप वहां पर उस मतलब कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के एप्लीकेशन पर जो फ्री वाला सेक्शन है ईबुक वाला सेक्शन, वहां पर बहुत सारे जो टॉपिक वाइज जो बिहार करंट अफेयर्स की चीज़ें बने हैं जो कंटेंट आए हैं वो सभी वहां पर आपको एकदम से मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और साथ साथ एप्लीकेशन पर जो डेली करंट अफेयर्स वाला क्विज है वो भी सेक्शन बिल्कुल एकदम से निशुल्क है। पहले से भी निशुल्क था, अब भी ये निशुल्क है। हजारों विद्यार्थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी उसे पार्टिसिपेट कीजिए और तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।